आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला में एंड और का फॉर्मूला। एंड और का फॉर्मूला क्या करता है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि एंड का फॉर्मूला की जरूरत कहां पे पड़ती है, इस चीज को जान लीजिए, या फिर नेस्टेड इफ क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। नेस्टेड इफ कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने उसका नाम दिया हुआ है, कोई कई सारे इफ के तरह एक नेस्टिंग हो जाता है ना, एक क्या बोलते हैं घोंसले की तरह, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर इस तरह से हो जाता है। इसलिए जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन सा है, तो हम लोग इजिली यहाँ पे लगाते हैं कि इफ ग्रेटर देन 50, राइट। लेकिन मैं बोलूं कि अगर 50 to 80, माने 50 से बड़ा और 80 से छोटा, 50 से बड़ा और 80 से छोटा कौन कौन है, तब तो यहां पर दो कंडीशंस हो जाते हैं। और इफ कहता है कि एक के अंदर में हम एक ही कंडीशन को लेंगे। तो एक इफ लगाया, हमने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50, हमने बोला A2 is greater than equal to 50, फिर कॉमा, अब इसमें अगली कंडीशन है less than equal to 80, तो यहाँ पे एक और if हम लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करके बोलेंगे कि less than equal to 80, तो A2 is greater than 50 and A2 is less than equal to 80, अगर ऐसा है तो यहाँ पे 500 अदरवाइज 0। अब जैसे जानते हैं कि इफ के तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा होता है कंडीशन ट्रू कंडीशन, और तीसरा होता है फॉल्स कंडीशन। तो यहां अगर हम पहले इफ की बात करें तो पहले इफ का ट्रू पार्ट ये आ गया, सॉरी लॉजिकल पार्ट ये आ गया, और यहां पे आ गया आपका इसका ट्रू पार्ट, इसकी फॉल्स पार्ट तो रह रही है ना, कॉमा 0 यहां पे हमने दे दिया। ध्यान से देखिए सर, ए लॉजिकल टेस्ट ट्रू पार्ट में एक और इफ है और फॉल्स पार्ट में हमने 0 दिया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, समझ आ रहा है। एंटर हमने प्रेस कर दिया, नीचे ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेरे पास कंडीशंस अलग अलग है पर रिजल्ट हमारा सेम है। यहाँ पे कंडीशंस अलग अलग है पर बट रिजल्ट सेम। तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंड का। फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है, कंडीशन फुलफिल है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। कंडीशन फुलफिल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो हमने बोला कि क्या ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर हमने बोला कि लेस देन, सॉरी इसको सेलेक्ट करना भूल गया, less than equal to 80। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अगर आपको नहीं दिखता है तो यहां देखो। हमने बोला कि and A3 is greater than equal to 50 and A3 is less than equal to 80। क्लियर है? तो ये आपको क्या है कि ये नहीं देगा, मतलब कि 100-500 तक रिजल्ट नहीं देगा, इसका रिजल्ट फिक्स होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो आप इसमें इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ यहां पे 500 अदरवाइज 0, ये आपका सिंपल हो जाता है। दे रहे हैं में आ गया आप लोगों को? हाँ जी। 500 is a 50? नहीं नहीं, अगर ये इसके नहीं हुआ तो 500 होगा। Sorry? A3 is greater than equal to 50 and A3 is less than to 80.
अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुए तो 500 आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। आप समझे कि नहीं? ठीक है जी। तो नेस्टेड इफ कब लगाएंगे और एंड कब लगाएंगे? नेस्टेड इफ जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर 80 से छोटा हुआ तो मुझे इसमें 50 देना है, नहीं 50 से बड़ा हुआ तो मुझे इसमें 600 देने हैं। तो अगर 50 से छोटा हुआ तो 600, इसमें तीन रिजल्ट हो गया। पहला रिजल्ट अगर A2 is greater than equal to 50 और less than equal to 80 तो 500 मिलेगा, बट 50 से तो बड़ा है बट 80 से छोटा है तो 50 मिलेगा। लेकिन 50 से बड़ा है तो 600 मिलेगा, 50 से छोटा है तो 600 मिलेगा। समझेंगे नहीं सर? मैं दोबारा समझाता हूं। अगर 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है तो 500, 50 से बड़ा है और 80 से भी बड़ा है तो 550 मिलेगा, 50 से छोटा है तो 600 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं सर? भुवन जी? हाँ जी हाँ, ले रहे ना? ऐसे मल्टीपल कंडीशंस साथ आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स हो तो हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। बट आपके पास कंडीशन तो कई सारे हैं बट रिजल्ट आपका फिक्स है तो हम यूज करते हैं एंड का। तो चलिए एंड का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब मुझे यहां पे चेक करना है कि क्या सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट ग्रेटर देन 50 है या नहीं। सारे सब्जेक्ट ग्रेटर देन 30 है, अगर 30 है तो रिजल्ट यहां पे आना चाहिए ट्रू, अदरवाइज आना चाहिए फॉल्स, मतलब कि पास और फेल। तो यहां पे हम एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड और देते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन अगेन चेक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन अगेन इसको चेक करता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और अगेन इसको चेक करता हूं क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। ऐसा है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। में रिजल्ट अगर ट्रू है, सम में अगर ट्रू है तो हम इफ का लगाते हैं और देते हैं यहां पे पास। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहां पे कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट दे रहा हूं। जनरली लोग क्या है कि यहां पे इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, बट एक गलत है क्योंकि रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स पे ही चलता है। लॉजिक लगा के फिर वापस ट्रू लगाना ये सही नहीं रहेगा। ए एंड का इस्तेमाल हमने कर लिया और एंड का अपोजिट होता है और,
जैसे कि मान लीजिए कि मुझे आईडी प्रूफ के लिए एक चेकलिस्ट दिया गया है, में यहाँ पे नेम हो गया और यहाँ पे हमारे पास आईडी में मांगा गया कि पैन नंबर, डीएल, पासपोर्ट, अब स्टेटस देना है। अब यहां पे ये हुआ कि कोई एक भी चलेगा, मतलब जब अभी अगर बोला जाता आई कार्ड तो आपने अगर आई कार्ड में से चारों में से कोई एक दिखा दिया ओके है, अब कुछ कुछ लोग जो है दो दिखा देते हैं, तो एक से एक या एक से ज्यादा हो तो रिजल्ट में यहां पे ओके, नहीं तो पेंडिंग आना चाहिए। तो यहां डिटेल फॉर्मूला इसका नहीं है, और का और जो है मल्टीपल कंडीशन भी लेता है, लेकिन इसमें क्या है ये ऑप्शनल होता है, मतलब कि कोई एक भी मिलेगा तो रिजल्ट यहां पे ट्रू दिख जाएगा, कोई एक भी। तो यहां पे सिलेक्ट किया इक्वल टू वाई, वापस इसको सिलेक्ट किया इक्वल टू वाई कॉमा, वापस इसको इसमें गड़बड़ हो गया, इक्वल करना चाहिए इक्वल टू वाई, एक केस सेंसिटिव नहीं होता है ध्यान रखिएगा। बी एट अगर इक्वल टू वाई है, सी एट इक्वल टू वाई है, डी एट इक्वल टू वाई है, ई एट इक्वल टू वाई है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए ट्रू एंड फॉल्स में, तो इफ और यहां पे हमने कर दिया ओके एंड पेंडिंग। सुन आ गया सर, कोई डाउट इसमें? नहीं ये रहा ना, अब इसमें अगर दो पार्ट हो जाए, इसमें हम बोल रहे कि नहीं पैन नंबर इज द कंपल्सरी और इसमें से कोई एक नहीं, तो यहां आप एंड और का मिक्सअप कर सकते हैं। एंड कंपल्सरी क्या है? वाई, तो हमने बोला कि ये पैन नंबर वाई होना चाहिए, उसके बाद इन तीनों में से एक है, तीन है, इसलिए हमने और लगा दिया और बोला दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, यहां बोला दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, हमने इसको सेलेक्ट करके बोला दैट इज इक्वल टू वाई, रिजल्ट ट्रू आ गया ओके। अब ट्रू फॉल्स को जो करना है कर ले। अब बात आती है कि अगर हमने यहां तो यूज किया है क्या, इसमें हमने एंड का यूज किया है, लेकिन हम आपको इसे बताया थे कि इसमें हम नेस्टेड इफ का यूज भी कर सकते हैं, क्या इसमें नेस्टेड इफ का यूज हो सकता है जी? जैसे हमने इसको किया है उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं ना, और इसको भी कर सकते हैं, आप कर पाएंगे? हेलो ज्योति जी, हाँ जी सर, आप कर पाएंगे इसको? हाँ मैं करूंगी, आप भेज दीजिए मुझे। ठीक है, तो फाइल में भुवन जी और आप दोनों को भेज रहा हूँ जी सर, जैसे